हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे प्यारे से बहन से पढ़ाई में मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन मतलब इसका नाम देखो डॉक्यूमेंटेशन मतलब हम कुछ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कुछ लिखा हुआ है हमने टाइप किया हुआ है उसको डिजिटल वे में लेके आना यानी कि वी आर टाइपिंग समथिंग वी आर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट वाया डिजिटल मीन्स ठीक है वाई डिजिटल मीन्स सो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्यूटर पर कैसे करते हो मतलब एक डॉक्यूमेंट कहाँ पे लिखते हो एम एस वर्ड में ठीक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही तो लिखते हो और उसमें एम एस वर्ड में या फिर कई लोग ओपन ऑफिस का भी यूज करते हैं। बहुत पहले यूज होता था अब तो इतना होता नहीं है ठीक है तो ओपन ऑफिस के ही स्टेप्स इस चैप्टर में दिए हुए कि स्टाइल्स uh, कैसे इंसर्ट करें टेम्पलेट कैसे इंसर्ट करें वो ओपन ऑफिस के दे रखे हैं इस चैप्टर में ठीक है लेकिन बहुत सारे बच्चे एमएस वर्ड यूज करते हैं तो आपको इतना स्टेप्स के ऊपर फोकस नहीं करना है क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके स्टेप्स आते ही नहीं है स्टेप्स जो प्रैक्टिकल या फिर जो आपका लैब होगा आपके पेपर में लैब वर्क भी है तो लैब में आपको मैम सब कुछ करके दिखा देंगे तो वहां से आप अगर आप अच्छे से चीजों को सीखोगे तो स्टेप्स ऑलरेडी याद हो जाएंगे और एम एस वर्ड के याद है स्टेप्स तो आप वो भी लिख सकते हो ठीक है इन केस अगर पेपर में स्टेप्स आते हैं तो नहीं तो वैसे थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो मैं आपको कराऊंगी और लैब वाला तो आपका उसी में स्कूल में ही हो जाए लैब वर्क में ठीक है तो इस तरीके से हमें अपना चैप्टर करना है ओनली द थ्योरी पार्ट सो विल स्टार्ट विद डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन अच्छा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो और को ये और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है सो इंस्टाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हम आते हैं सबसे पहले अच्छा ये एडवांस करवा रही हूँ मैं क्योंकि क्यों, आपके सिलेबस में एडवांस ही है तो सेशन नंबर वन इज क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट आप अपना जो डॉक्यूमेंट लिखते हो जो भी एक्स वाई से डॉक्यूमेंट में आपने लिखा है उसके अंदर आप बहुत सारे स्टाइल्स डाल सकते हो कैसे कैसे स्टाइल्स डाल सकते हो मान लो आपने जो भी लिखा है उस लिखे हुए को आपको बहुत अच्छे से सजावटी वाली राइटिंग में लिखना है तो आप फॉन्ट कलर फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो नंबर बड़ा हो, होना चाहिए छोटा होना चाहिए टेक्स्ट मीडियम होना चाहिए उस हिसाब से फॉन्ट नंबर भी रख सकते हो और उसके बाद फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट कलर आपके टेक्स्ट का कलर कैसा होगा और उसके बाद कोई बॉर्डर है फ्रेम है ये सब स्टाइल्स वगैरह आप डाल सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में ठीक है अच्छा बोल्ड कर सकते हो इटैलिक कर सकते हो फॉन्ट साइज कलर फैमिली बदल सकते हो अंडरलाइन कर सकते हो कलर भी कर सकते हो तो अपने टेक्स्ट को है ना और मॉडिफिकेशंस काफी सारी कर सकते हो जैसे आप अपने अः uh, काफी सारी बॉडी केयर की चीजें भी करते हैं ना अपने अच्छे से कपड़े पहनने के लिए अलग अलग टाइप स्टाइल्स अपनाते रहते हो कि इस बार हम पेंट शर्ट पहनेंगे इस बार हम लहंगा पहनेंगे इस बार हम शॉर्ट्स शॉर्ट्स और आ, टी शर्ट पहनेंगे तो ऐसे से जैसे आप खुद में मॉडिफिकेशन करते हो अपनी अलग अलग चीजों में वैसे आप अपने डॉक्यूमेंट की भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो है ना उसके बाद क्या कर सकते हो आप अपनी हेडिंग्स हेडिंग्स भी छह तरीके की डलती हैं एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स मतलब एच वन वाली बहुत बड़ी होगी फिर एच वाली थोड़ी छोटी फिर एच थ्री वाली और छोटी इस तरीके से है ना उसके बाद आप पैराग्राफ की इंडेंटेशन चेंज कर सकते हो इंडेंटेशन क्या होता है कि आपका पैराग्राफ लेफ्ट टू राइट जा रहा है या फिर राइट टू लेफ्ट आएगा या फिर सेंटर में रहेगा ऐसे ऐसे आप चेंज कर सकते हो और स्टाइल्स को अपना सकते हो है ना आप कित कितने टाइप के स्टाइल्स होते हैं ओपन ऑफिस में आप देख लेते हैं कितने टाइप के स्टाइल्स होते हैं और ये आपका आ सकता है एग्जाम में भी कि बताओ वट आर स्टाइल्स हाउ कैन यू इंसर्ट द स्टाइल्स तो उसमें आपको स्टेप्स डालने पड़ेंगे एम एस वर्ड या ओपन ऑफिस की जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो और स्टेप्स uh, नहीं भी आते तो टाइप्स uh, पूछ लेंगे आपसे कौन कौन से टाइप के स्टाइल्स होते हैं तो आप वो मैं आपको बता रही हूँ ठीक है सो so, सबसे पहला होता है पेज स्टाइल पेज स्टाइल में देखो पेज का मार्जिन कितना रहेगा यानी कि ये देखो इतना इतना मार्जिन हम छोड़ देते हैं उसके बाद अपना पेज स्टार्ट करेंगे उसके बाद हेडर क्या होगा फुटर क्या होगा ठीक है बैकग्राउंड कैसा होगा बॉर्डर कितना होगा ये सब पेज स्टाइल के अंदर आता है पैराग्राफ स्टाइल में क्या होता है कि आपको दो लाइन के बीच में कितना स्पेस रखना है पैराग्राफ में और ये लेफ्ट टू राइट जाएगा राइट टू लेफ्ट आएगा या फिर सेंटर में रहेगा बॉर्डर कैसे रहेंगे टेक्स का अलाइनमेंट कैसे

कि जैसे आपने कोई इमेज इंसर्ट करी कभी कभी क्या होता है इमेज अगर जैसे मान लो हमने पूरा डॉक्यूमेंट लिख दिया उसके बीच में कहीं इमेज इंसर्ट कर दी तो टेक्स्ट उलट पुलट हो जाता है इधर उधर आगे पीछे ऐसे भाग जाता है तो उसको हम सटीक तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर डाली और मैं चाहती हूँ कि ऐसे 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 लिखे और फिर पूरी पूरी लाइन में टेक्स्ट आए तो उसको हम कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग है ना कि जो फ्रेम है इमेज का फ्रेम है इमेज की जो बाउंड्रीज है उसके साथ साथ टेक्स्ट फ्लो करे इस तरीके से जैसे ये इमेज है तो इसकी बाउंड्री के साथ टेक्स्ट रीफ्लो करे इस तरीके से तो उसे कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग बैकग्राउंड कैसा होगा बॉर्डर कैसा होगा इमेज का तो सब फ्रेम स्टाइल में आता है उसके बाद देखो नंबर स्टाइल और लिस्ट स्टाइल जो आप लिस्ट बनाते हो बुलेट से या फिर वन टू थ्री या फिर रोमन न्यूमरल से या फिर एरो से अलग अलग चीजों से तो उसका कैसा आप स्टाइल रख रखना चाहते हो नंबर लिस्ट रखना चाहते हो बुलेट लिस्ट बनाना चाहते हो इस टाइप से सेल्स स्टाइल अब जो आप स्प्रेडशीट में काम करते हो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं एंड कॉलम में तो उन सेल्स को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो उन सेल का फॉन्ट अलाइनमेंट बॉर्डर बैकग्राउंड नंबर फॉर्मेट ये सब चीजें आप चेंज कर सकते हो ग्राफिक स्टाइल इसमें क्या आता है इमेजेस का इमेज के कितने डायमेंशन होने चाहिए ठीक है उसके बाद इमेज में शेडो कैसी होनी चाहिए कितनी क्लियर होनी चाहिए कितने एरिया में आनी चाहिए लाइन अगर डालनी है तो लाइन भी डाल सकते हो तो ये ग्राफिक स्टाइल्स में आता है ये बेसिकली इमेज के लिए होता है प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या अगर आप कोई भी चीज प्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें प्रेजेंटेशन आप कैसे कर सकते हो फ़ॉन्ट बदल के इंडेंटेशन करके लेफ्ट राइट सेंटर स्पेसिंग करके अलाइनमेंट करके ठीक है तो ये कुछ स्टाइल्स होते हैं टाइप ऑफ स्टाइल्स ठीक है अब आप स्टाइल्स को कैसे डालोगे ये तो आप जब लैब करोगे तो आपको पता चल जाए और फिर वो स्टेप्स आपको लिख देने हैं ठीक है तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है इन स्टेप्स uh, में वो तो आपको खुद ही आ जाएंगे इफ यू डू द लैब वर्क लगन से वो भी और वैसे भी ये पेपर में सिर्फ थ्योरी ज्यादातर uh, आती है एल्स यू कैन सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर मोर आइडिया है ना अब हम पढ़ेंगे सेशन नंबर टू इंसर्ट एंड यूज इमेजेस इसमें क्या होता है आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में कैसे कैसे इमेजेस डाल सकते हैं उसके भी कई तरीके होते हैं लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप करके मतलब कहीं से ली और फिर ड्रॉप कर दी uh, मतलब डॉक्यूमेंट uh, में ड्रॉप कर दी उसके बाद जैसे यहाँ पर जब आप एमएस वर्ड में जाओगे तो उसके ऊपर ही आपको एक इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा उसको प्रेस करते इंसर्ट इमेजे उसके बाद आपकी जहां पर भी इमेज है वहां से आप इंसर्ट कर सकते हो इंसर्ट इमेज फ्रॉम क्लिप बोर्ड क्लिप बोर्ड क्या होता है जैसे गूगल पे जाके आपने कोई कॉपी कर ली तो क्लिप बोर्ड इमेज हो जाती है और फिर आप वर्ड में आके पेस्ट कर सकते हो ओपन ऑफिस गैलरी ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर की खुद की गैलरी होती है वहां से भी आप इमेज डाल सकते हो स्कैनर से इमेज डाल सकते हो तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट कर सकते हो ठीक है एंड ये सारे फाइल लाइक वो ही बताए हुए हैं कैसे कैसे आपको स्टेप्स डालने और आप अपनी इमेजेस को मॉडिफाई कैसे कर सकते हो जैसे मान लो आपके आपने इमेज को इंसर्ट uh, कर लिया आपने इमेज को इंसर्ट कर लिया अपने डॉक्यूमेंट में उसके बाद आप उसको मॉडिफाई कैसे करोगे ठीक है मतलब थोड़ा बहुत स्टाइल्स ही कैसे वगैरह डालोगे आप उसको रिसाइज कर सकते हो इस इमेज को क्रॉप कर सकते हो थोड़ा इधर से कर दिया ट्रिम वगैरह इस टाइप से रोटेट कर सकते हो थोड़ी टेडी में डाल सकते हो तो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते इमेज हो इमेज को है ना अच्छा उसके बाद जैसे हॉरीजोंटल फ्लिप कर दी वर्टिकल फ्लिप कर दी ग्राफिक्स मोड में जाके इमेज के कलर थोड़े बहुत चेंज कर दिए पिक्चर्स टूल बार में जाके क्या होता है पिक्चर टूल बार डिस्प्ले वन यू इंसर्ट अ इमेज और टूज वन दैट इज ऑलरेडी इन द पेज पिक्चर्स टूल बार में जाके मान लो आपने पेज वन पे जो इमेज यूज की हुई है वो ही अगर आपको पेज टू पे इंसर्ट करनी है तो फिर वो पिक्चर्स टूल बार में मिल जाती है इस तरीके से भी आप एडिट कर सकते हो उसके बाद आप फिल्टर्स भी डाल सकते हो बहुत सारे जो फिल्टर्स आते हैं जैसे कि आपको कुछ फिल्टर्स दिख जाएंगे इनवर्ड ऐसे ऐसे आप फिल्टर्स भी डाल सकते हो ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि आपके पिक्चर ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने है, इस टाइप से और उसके बाद क्या हो सकता है फॉर्मेटिंग टूल बार एंड पिक्चर्स डायलॉग इसमें आप आ, क्या कर सकते हो फॉर्मेटिंग में क्रॉप कर सकते हो अपनी इमेजेस को है ना इमेज का साइज बदल सकते हो हाइट एंड विड्थ बदल सकते हो लंबाई चौड़ाई है ना रिसाइज कर सकते हो रोटेट कर सकते हो और अपने हिसाब से कुछ ऑब्जेक्ट्स भी ड्रॉ कर सकते हो तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो अपने पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो मॉडिफाई कर सकते हो सेक्शन नंबर थ्री है यूज क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट अब टेम्पलेट क्या होती है टेम्पलेट कुछ बने बनाए डिजाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपने देखा होगा अगर कभी आपको रिज्यूमे बनाना हो अपना तो आपके पास एमएस वर्ड पर ऑलरेडी डिजाइन टेम्पलेट मिलती है बस आपको अपनी डिटेल्स डालनी होती है या फिर कोई आपका टाइम टेबल है तो उसकी भी आ, 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 वो बन जाएंगी

तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो अपनी टेम्पलेट वो तो बस स्टेप्स लिखे हुए हैं और स्टेप्स जो है आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से लैब वर्क में हो जाएंगे एंड नाउ द सेशन नंबर फोर क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कॉन्टेंट टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स क्या होते हैं इंडेक्स है, है ना इंडेक्स किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी बुक का एक इंडेक्स होता है जिसको आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट या फिर टी ओसी बोल सकते हो ये एक नेविगेशन टूल है जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि अच्छा बुक में क्या क्या चीज़ें है मैंशन है वो भी किस किस पेज पर ताकि हम आराम से उस चैप्टर पे बिना ऐसे से करे आराम से जहाँ पर हमें पढ़ना है जहाँ पर हमें पहुँचना है हम आराम से पहुँच सके ठीक है ये हमें कंटेंट की समरी बताता है मेजर चैप्टर हेडिंग सब्जेक्ट सेक्शन सब कुछ इंडेक्स हमें बताता है है ना और हम सर्टेन एरिया पे सही से जंप कर पाए सही टाइम पे सही एरिया पे आ जाए सही कंटेंट पे आ जाए तो उसके लिए इंडेक्स हमें बहुत हेल्प करता है ठीक है और देखते हैं आई गेस हमारा लास्ट सेशन बचा हुआ इम्प्लीमेंट मेल मर्ज मेल मर्ज क्या होता है मेल मर्ज इज बेसिकली जब आपको एक लेटर जैसे आपने लिखा है ठीक है पर्सनलाइज लेटर लिखा है और वो आपको बहुत सारे लोगों को भेजना है उन लोगों के आपके पास मेलिंग uh, एड्रेस है ईमेल एड्रेस जिसको आप कहते हो वो ई एड्रेस है और लोगों के नाम वगैरह भी है तो आप मेल मर्ज कर सकते हो मेल मर्ज में आपको बस एक बार सेंड का ऑप्शन दबाना है और फिर वो ही, वो ही लेटर जो है बहुत सारे लोगों के पास चला जाएगा आपको हर एक लोग हर एक इंडिविजुअल को अलग से नहीं भेजना पड़ेगा ठीक है तो इसमें आप क्या करोगे एक बार अपना लेटर लिखोगे ईमेल में मेल मर्ज की वजह से सबका जो ईमेल एड्रेस है वो आ जाएगा और उसके बाद आप सेंड कर सकते हो तो सबके पास लेटर ईमेल के थ्रू पहुंच जाएगा ठीक है ये बेसिकली बिजनेस हाउसेज में ज्यादा होता है जो फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट करते रहते हैं कस्टमर के पास आप देखते हो आपके मेल पर मिंत्रा वगैरह के मैसेजेस सॉरी मेल्स आते हैं तो मेल मर्ज की वजह से ही आते हैं ठीक है थीके? और उसके बाद अः डेटा सोर्स क्या होता है अब आप कहोगे कि मेल मर्ज में भी तो सबका ईमेल टाइप कर करने में ऐसे मिंत्रा के पास तो पता नहीं कितने करोड़ों लोग हैं जिनको मेल करना पड़ता होगा तो ऐसे हम कैसे करेंगे डेली मेल लिखने के लिए बैठेंगे सबका है ना तो डेटा सोर्स वही होता है क्या होगा जैसे डेटा सोर्स क्या होता है मेल मर्ज के प्रोसेस में आप डेटा डेटा किस चीज का जिसके अंदर सभी लोगों का नाम सभी लोगों के फोन नंबर सभी लोगों का नेम और एड्रेस आएगा ठीक है तो वो ये वाला जो डाटा है वो आप एक डॉक्यूमेंट पे लिख दोगे सारा सब कुछ एक ही बार में ठीक है और उस डाटा को आप क्या करोगे उस डाटा को बेसिकली क्या कहते हैं डाटा सोर्स यानी कि वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ये सारा डाटा होगा लाइक नेम एड्रेस फोन नंबर और ईमेल एड्रेस वो ही आप वो स्प्रेडशीट या फिर वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा आपका डाटा सोर्स और जब भी आप मेल मर्ज करोगे तो इस डाटा वाले पेज को आप अटैच कर दोगे ताकि आपको मेल एड्रेस ना करना पड़े और आ, मेल एड्रेस ना लिखना पड़े और मेल मर्ज प्रोसेस से वो सारा सब कुछ अपने आप ही रीड कर लेगा कि कहाँ कहाँ पे ईमेल मेल आई डी है किस किस को भेजना है वो ऑटोमेटिकली सब अपने आप कर लेगा बस आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसपे नाम है सबका फोन नंबर है एड्रेस है ई एड्रेस है इस तरीके से तो ये होता है डाटा सोर्स तो देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ड्यूरिंग द मेल मर्ज प्रोसेस डाटा फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट जिसको हम डाटा सोर्स कहते हैं वो हो जाता है मेन डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट जैसे कि लेटर के साथ कनेक्ट या फिर जो चीज़ आपको भेजनी है लोगों को और उसके बाद वो डाटा सोर्स में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा जैसे नेम एड्रेस फोन नंबर ई मेल एड्रेस और फिर सबके पास वो मेल सेंड कर देगा ठीक है तो कौन कौन से डाटा सोर्स हो सकते हैं मतलब किस किस में आप डाटा सोर्स लगा सकते हो स्प्रेडशीट में टेक्स्ट फाइल में कोई डाटा बेस हो सकता है या फिर कोई एड्रेस बुक हो सकती है ठीक है तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द देन प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच